हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन बाद मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि दिवाली के बाद मुझे बहुत सारी मिठाई मिली थी, बट मैं खा खा के पक गई थी। ओके, तो गाइस मैं सोचा कि इस बार मैं अपने मम्मा के हेल्प से रसगुल्ले बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी को शेयर करूँगी। सॉरी, मैंने रसगुल्ले नहीं बनाए हैं, क्या बनाया है? गुलाब जामुन बनाया, याद आ गया फाइनली। सो गाइस, मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी, आप प्लीज़ बनाइएगा। एंड गाइस, मैं बहुत सारी हेल्प मैंने की है, मतलब कि मैंने समझिए कि जैसे कि मम्मी ने मुझे हेल्प नहीं करने दी थी, पर मैं तब भी की हेल्प। मैंने बहुत मारा पीटी करके हेल्प कराई है। गाइस, मेरी आप रेसिपी देखिएगा, बना के मुझे बताइएगा कैसा था, और मुझे कमेंट में ये भी बताएगा कि कैसा मैंने जामुन। तो गुलाब जामुन के हम लोगों ने यहाँ पे वो चाशनी बना दी। चाशनी में हम लोग ने चीनी डाला था, पानी डाला था और इलायची डाल के उसको पकाया था अच्छे से। और ये देखिए गाइस, हम लोग ने वो मार दिया था आटा। उसके बाद आटा मारने के बाद उसका हम लोग ने ये देखिए लोई बना ली है, सीमा पाउडर की हमने ये लोई बनाई है। यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है, तेल चढ़ाने के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे, रसगुल्ले को सारे फ्राई करेंगे हम लोग। देखिए गाइस, हम लोग इसे फ्राई कर रहे हैं, हमारा तेल देखिए गर्म हो चुका था। ये देखिए अभी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। रुक रुक रुक, ये देखिए चीनी में डालना है और अब इसे ढक देंगे हम लोग अंदर तक। अब ऐसे ऐसे करके हम लोग ये सारे कर देंगे। तो गाइस, आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट आल्सो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।